विद्यार्थी फाइनल ईयर के छात्र आप सब लोगों के सामने एक नुक्कड़ नाटक लेकर आए हैं। इसका शीर्षक है न्याय एक आस। युगों युगों से ये प्रथा चली आ रही है, ये समाज ये दुनिया नारी को वस्तु समझती आ रही है। युगों युगों से ये प्रथा चली आ रही है, ये समाज ये दुनिया इस महिला को एक वस्तु समझती आ रही है। कभी बदले की भावना से अपहरण तो कभी रोजमर्रा के अधिकारों के लिए रण। एक महिला जो इस समाज को समाज बनाती है, एक महिला जो एक परिवार को परिवार बनाती है, और इस समाज की अवधारणा जी हाँ, ये समाज और इस समाज की अवधारणा ना मुझसे ना आपसे किसी से छिपी नहीं है। इस समाज ने समय समय पे सदी सदी में उस महिला की कल्पनाओं को, उस महिला की महत्वाकांक्षाओं को, उस महिला के सपनों को रोकने का काम किया है। और मैं आप हम सब सरकारें इसको मूक दर्शक बनकर देखते रहते हैं। वो सोना पाए, अगर वो मेरी ना हो तो
बहुत हो गई कार्यवाही, बहुत हो गया हल्ला गुल्ला, अब आएगा फैसला, अब आएगा फैसला। 20 साल बाद माफ कीजिए माय लॉर्ड, हम अपने फैसला सुनाने में देर है। जहाँ से आई थी लड़की वहीं चली गई, मिल गया उसे इंसाफ। आप मान लीजिए आपसे देर हो गई है इंसाफ सुनाने में। अरे बहुत हो गया ये इमोशनल ड्रामा, बंद करिए अपना ये प्रचार। अगर मेरा मौल से मुजरिम है तो वो होगा सलाखों के पार। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाती है। आखिर क्यों नह की दीवारें इतनी ऊंची हो जाती हैं कि उन तक पीड़िता की चीख पहुंच से पहुंचते एक अरसा बीत जाता है, और इस बीच ये सारा समाज उससे मुंह फेर लेता है। वो खुद से तो मुंह नहीं फेर सकती, वो लड़ती है पर अकेली। आखिर क्यों हम एक जागरूक समाज नहीं बन सकते? क्यों लग जाती है इतनी देर एक न्याय की आज सुनने में? क्यों बिक जाता है ऐसे खुलेआम बाजार में बिना लाइसेंस के? आखिर क्यों इतनी आसानी से इन गरीबों की जिंदगी खराब की जाती है? क्या एक लड़की की ना सुनने में आपकी इज्जत घट जाती है? क्या इसका जवाब है किसी के पास? जवाब है, लेकिन जवाब से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ऐसे अपराधों के लिए इस समाज में जागरूकता फैलाना। सरकार ने समय समय पर महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों को क्रमबद्ध किया है, और भारतीय दंड संहिता में ऐसे कई अपराध दिए गए हैं जिसको इस्तेमाल करके दोषी को सजा सुनाई जा सकती है। जे शर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन पे भारतीय दंड संहिता में धारा 326A 326B को जोड़ा गया, जो कि ऐसे अटैक पीड़िताओं के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ, लेकिन वह सिर्फ दोषी को सजा देने के लिए है। हमारे नाटक का मूलभूत बिंदु यही था कि समाज को जागरूक किया जाए, ऐसे अपराधों की संख्या में कमी लाई जाए। साथ ही साथ ऐसे अटैक पीड़िता प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 1,00,000 रुपये तक की सहायता प्राप्त कर सकती है। साथ ही साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये केस लक्ष्मी बनाओ भारतीय गणराज्य के अनुसार सरकार ने सरकारों को कड़ी हिदायत दी कि इस तरह से खुले में बिकते हुए ऐसे की बिक्री पर वह शिकंजा कसे। साथ ही साथ और कई सारी गाइडलाइंस प्रोवाइड की जिनसे इन हो रहे ऐसे अटैक्स को रोका जा सके। ये ऐसे अटैक सिर्फ उसको शारीरिक रूप से हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि उसके मानसिक संतुलन को भी खराब करता है। इसीलिए हम सबको इस समाज को एकजुट होकर नारी के खिलाफ हो रहे इन जघन्य अपराधों को रोकने के लिए आगे आना होगा। हम सबको साथ में उठना पड़ेगा। नोमान थे, जो कि एक्यूज थे, एडवोकेट थे, और साथ ही साथ उसके दोस्त भी बने, उनके बाद भी
उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की। क्योंकि पॉलिटिशियन और मिस्टर अबू शामा उन्होंने वो नेगोशिएशन शुरू किया और ये उसने विक्टिम के फादर किया मिस्टर आतिफ जो कि पुलिस वाले बने जो कि सब्जी वाले बने और मिस्टर मिसेस दामिनी मिस दामिनी जो कि लेडी एडवोकेट साथ ही साथ मां भी थी और हमारे अमन जो कि डॉक्टर थे। थैंक्स अ लॉट। आई थिंक बहुत पेशेंट।